हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आई हो, हाई हो आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तो काम करते व्यस्त होंगे। चलो इधर देखिए, मैं भी किचन में आई। आर्यन बोल रहे हैं मम्मी मुझे भूख लगा है, कुछ मेरा छोला भटूरा खाने का मन कर रहा है। तुरंत तो छोला भटूरा मन नहीं जाएगा, तो बोल रहे हैं जो पैसा दो सवाल से जाता हूँ लेके आता हूँ, मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है। तो मैं इधर चना भी गोई थी तो ये लोग खाए नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ इसका ना ऐसे दाल तल देती हूँ तो खा लेंगे। बोले बहुत खाने का मन कर रहा है, चलो दूसरे दिन बना देंगे छोला भटूरा, बहुत खाने का मन कर रहा है। तो घर पे ऐसा ही होता है, बाहर का रहता है। तो अभी आप लोग को पता है कि अरे क्रिप्टो का मुंबई का टिकट हो गया है और आने वाली है, तो हम सोच रहे थे कि जाऊं डीमार्ट से कुछ। हमारे घर में अभी बहुत सुविधाएं नहीं है, तो अच्छा कोई गेस्ट आता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो साथ में और देखो कौन कौन आता है। तो फिर उसके बाद ये या मेरे साथ डिमांड नहीं गए, आज नहीं कल चलना है इनका, इनको जो भी काम बोलो कल, देखती हूँ कल क्या करते हैं। तो आप लोग का बहुत इच्छा है ना कि अब गेस्ट आते हैं तो थोड़ा सा घर में बेड उड रहता है तो अच्छा लगता है और सब चीज़ें। अब मुझे अपने घर में दो तीन दिन के अंदर बहुत कुछ करना है, इतना थोड़ा सा घर को मेंटेन करना है, साफ़ सफाई करना है। और इस घर को लेके काफ़ी दिक्कतें जो थी, मुझे रूम खाली करना था। अभी आप लोग को क्लियर बता देती हूँ कि रूम खाली नहीं करना है। बहुत हमारे उधर विचन आप लोगों से शेयर नहीं कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि इस रूम को लेके हमें अभी कहें। जैसे कि दो मैं जब ये रूम ली थी तो मैंने एक साल का बात करके ली थी, फिर उसके बाद मैं दिल्ली गई तो रूम वाले क्या किए कि अपना रूम उनको कस्टमर मिल गए तो रूम बेच दिए, क्योंकि उनको इधर से निकल के अच्छी जगह लेना था टाटा हाउस की तरफ। तो उन्होंने टाटा हाउस की तरफ रूम लिया। फिर उसके बाद हमें जानते हैं, हम जानते हैं कि पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इंसान छोटा मोटा अपना लेके पैसा बचा देता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इंसान मकान को बेच ही देता है, दूसरी जगह लेता है। और यही सब दिक्कतें थी, काफ़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, इतना ज़्यादा दिक्कत थी, रूम बेच दिए। और इस बारिश में आपको पता है कि बारिश में कहीं रूम मिलती नहीं है, कहीं भी रूम आप खाली कर लो कहीं भी नहीं मिल रही है। इतना मैं परेशान हो गई कि आप लोगों से शेयर नहीं कर रही, जब फाइनल कुछ हो जाता है तभी मैं आप लोग बोलते हैं क्या बोलती हैं, कुछ नहीं समझ में आता है। तो मुझे टेंशन था, मैं बोली थी जिस दिन अगर फाइनल हो जाएगा तो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो फाइनल हो गया है कि मुझे अभी जब तक रूम नहीं मिलेगा तो मैं इस घर में रहूँगी। उसके बाद और जितने में मैंने लिया था गाइस, जितने में मैं ली थी इस घर को, अभी इस घर को लिए मतलब मुझे 4 महीने हुए हैं, 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने में भाड़ा भी बढ़ गया है, मतलब एक जिद होती है ना कि अगर तुम रूम नहीं मिल रहा है, रूम में रहोगे तो तुम्हें रूम का भाड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा के देना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा ही बोल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने मतलब जीजा जी ने कम करा के मतलब कम करवाए, और जितना हमारा रूम रेंट था उससे ज़्यादा बढ़ गया है, भाड़ा बढ़ गया है। तो बहुत खुशी की बात है कि चलो, क्योंकि घर शिफ्ट करना बार बार ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना कि सामान ढोना, सही जगह रूम मिलना, और जहाँ इंसान रह लेता है ना उसको वहीं अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है थोड़ा जान पहचान हो जाती, फिर दूसरी जगह जाओ दूसरी जगह जान पहचान। फिर ये तो पता है कि मुझे आज नहीं तो कल ये एरिया छोड़ना है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में बच्चों को पढ़ाई के लिए के मुझे अभी इधर ही रहना है, तो इसीलिए मैंने उनसे एक साल का बात करके लिया। लेकिन अपने बातों से उन्होंने मुकर गए, कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार साथ दिया, अच्छा लगा कि साथ मिला। थोड़ा आलू भी डाल देती हूँ इसमें, ऐसी तकलीफ तो बहुत थी, इतना ज़्यादा टेंशन। अभी भी ना मेरा एक हफ्ते से ये चीज़ इतना टपक रहा है, इतना टपक रहा है, पूरा एक बाम ख़त्म हो गया, आज भी मेरा दर्द कर रहा है। कल मम्मी भी फ़ोन की थी, कहीं कैसे बड़ा शांत तो हो, कुछ दिक्कत है क्या, परेशानी है क्या, मैं बोली नहीं कुछ दिक्कत परेशानी नहीं है, कुछ भी अगर से बच्चों के ऊपर कुछ भी होता है तो माँ को पता ही चल जाता है।
ऐसे जब अगली बार जब अंकल आंटी के साथ रहता था जब मेरे हाथ पे चोट लगा था मैं आपको बताया नहीं था, फिर भी आपको भनक लग गया था कि कुछ हुआ, जब तक आप वीडियो कॉल पे देख ही नहीं तब तक मान ही नहीं। तो माँ को पता ही चल जाता है, माँ का दिल ऐसा होता है कि जब बच्चे तकलीफ में रहते हैं ना, बच्चे के चेहरे से माँ को माँ परख लेती है कि कितना तकलीफ हो, मतलब इस समय मेरा बच्चा तकलीफ में है। तो मैं बोली कि फिर भी मम्मी से मैंने शेयर नहीं किया, अब आज किप्टो से भी बात तो थोड़ा सा हुआ है, ज़्यादा नहीं, देखो क्या करने वाली हूँ। तब तक आप लोग जुड़े रहिए, मिलते कुछ देर बाद। इधर देखिए हमारा ये चना का घूरी बनके हो गया है रेडी, और इधर मेरे सर में दर्द है, और इधर मैंने चाय भी रख दिया है क्योंकि घूरी के साथ चाय खाओ तो अच्छा, चाय खाओ नहीं चाय पियो तो अच्छा लगता है। ये सब खा पी के फिर हम किसी काम से बाहर निकल रहे हैं, जिस काम से भी बाहर निकलेंगे वो चीज़ आप लोगों से शेयर करेंगे। आप आज का वीडियो आप लोग खूब ढेर सारा सपोर्ट शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोगों की इच्छा मैं पूरी करने वाली हूँ। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो कि हम लोग आ गए हैं इधर पे अपने दुकान पे, और मम्मी अपने हिसाब से देख रही है मम्मी को कौन सा लेना है, 4x6, 4x7 ऐसे जो अपने मन का है, तो अपने दुकान को बता रही है दुकान वाले अंकल को, उस हिसाब से अपने मम्मी देख रही है कौन सा लेना है। अभी तो देख रही है पसंद आएगा कि नहीं आएगा उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इधर पे कितने अलग अलग बड़े बड़े छोटे छोटे जो हैं, और मम्मी क्या है कि रूम देख के अपने हिसाब से देख रही कि रूम के हिसाब से कौन सा आएगा, तो मम्मी को कौन सा 4x7 कैसे कुछ तो चाहिए था। और देखिए मम्मी को आप मम्मी तो अपना पसंद करिए गाइस, और आप लोग भी अपना कमेंट में बताइए कि कौन सा आप लोग को अच्छा लग रहा है। जो अच्छा लग रहा है आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि हाँ दीदी ये वाला लीजिए, ये वाला अच्छा लग रहा है। आप लोग भी अपना राय रखिए, और मम्मी चेक कर रही है कि बॉक्स वाला है कि नहीं है। मम्मी को देखिए अपना कौन सा, मम्मी अभी तक मुझे भी नहीं बताया कि मम्मी को कैसा चाहिए। मम्मी अपने मनपसंद से देख रही हैं, जैसा पसंद आएगा वैसा लेंगी। देखिए और अलमारी वगैरह, मम्मी को अलमारी भी चाहिए था। देखिए जो जो मन पसंद रहेगा मम्मी लेंगी नहीं लेंगी उनके ऊपर डिपेंड करता है, पहले देखेंगी बातचीत करेंगी उसके बाद। और साथ में बगल वाली आंटी को भी आई लेके आई है वो, उनको क्योंकि पता था दुकान। और जैसे अगर सही केवल बॉक्स में 4x4, 4x6, 4x6 का खोलने वाले तो सही रहेगा अपना, फिर इसे कहाँ से सीढ़ी से वो करवाओगी? इसको क्या, इसको पकड़ के दो लोग उठा सकते हैं। कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? खोलने वाला ही सही रहेगा। वही कह रहा हूँ, एक आदमी से दो लेंगे तो दोनों अलग से हो जाएगा, लेकिन बीच वाला करता है डबल बन जाता है। उसके बाद ये दो लेना है तो ये क्यों लेना बड़ा वाला 5 फीट का, ये दो मिल के ये आरओ का फोन आ रहा है लगता है।
हे गाइस, हमने बेड पसंद करके आ गए हैं और आप लोग को कौन सा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आते ही मैंने सूट निकाल के फेंक दी, फिर उसके बाद नहा के तुरंत बैठ रही हूँ क्योंकि हमारे पैर में ना छाला पड़ गया, छाला पड़ के फूट गए हैं और इधर आर्यन लेटे हुए हैं। तो आप लोगों के कहने से हम अपने घर में कुछ चेंजिंग ला रहे हैं और बहुत ही जल्द, अब जानते हैं जब गेस्ट लोग आते हैं हम लोग तो चाहे जैसे भी गुजारा, आखिर आज नहीं तो कल लेना है, तो सोचे तो उन लोग के आने के पहले ही मैं अपने घर में कुछ व्यवस्थाएँ कर लूँ। तो ये चीज़ें आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप सबसे नए ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। हमारे घर में कौन सा बेड आएगा ये आप लोग देखिए, या फिर आप लोग अपने पसंद से कमेंट करिए तो फिर मैं चेंज भी कर दूँगी। हाँ यार, चलिए मिलती हूँ।